हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी जैम में पूछा गया था सन 2006 में। क्वेश्चन क्या कह रही है, फॉर एफ एक्स जो हमारे पास है 1 + sin x cos x है, जहाँ पर x की वैल्यू 2π और 0 के बीच में लाई कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो जब उस स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं तो बात हो रही है सिर्फ लोकल मैक्सिमा की और लोकल मिनिमा की इस एंगल्स पर। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ऑप्शंस को देख के कि हमें लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के लिए बात करनी है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। सबसे पहले आपको देखो फंक्शन एक्स क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स हमारे पास है 1 + sin x × cos x, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है। तो अब जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स से तो क्या आ जाएगा, -k sin x, ठीक है, -k sin² x, और ये आपका हो जाएगा +k cos² x। तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि ज़्यादा साइन के दिख रहे हैं तो कॉस को भी साइन में बदल दो। तो cos² x को लिख सकते हैं 1 - sin² x। तो -sin² x क्या हो जाएगा, -k 2 sin² x, और आगे आ जाएगा -k sin x + k 1, ये हमें मिला f'x, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जिस पॉइंट पे हमें मिलेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, f'x को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब हम रखेंगे यहाँ से -2 f'x हमारा क्या है, sin² x -k sin x + 1 = 0, रख दिया इसको हमने। अब माइनस कॉमन ले जाऊँ तो इसका देखो हमारे पास फैक्टर बनेंगे दो। कैसे कैसे फैक्टर बनेंगे, पहले ढंग से लिख लेते हैं इसको। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin² x + sin x - 1 = 0। अब देखो ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और माइनस करें तो 1 आता हो, 2 1 2, तो 2 sin² x - k sin x - 1। यहाँ x के प्लेस पे बस sin x है, ऐसा ट्रीट करो। यहाँ से क्या कॉमन है देखो आपका 2 sin x, यहाँ से बचेगा sin x + 1, और यहाँ से -1 कॉमन है तो sin x + 1 = 0। तो ये आ रहा है sin x + 1, और एक आ रहा है 2 sin x, और यहाँ से -k 1। तो जब इसको 0 रखोगे तो sin x की वैल्यू मिलेगी -k 1, और जब इसको 0 रखोगे तो sin x की वैल्यू मिलेगी 1/2, ठीक है। तो एंगल निकालना है इसके लिए, अगर बात करें फिगर की बात करें तो इसका एंगल आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू होती है, π/2 एंगल पे 1 होता है ना, और -1 कहाँ पे होता है, 3π/2 पे। तो x की जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे वो मिलेगी 3π/2, ठीक है। एंड sin x की वैल्यू π/1/2, ये तो π/6 की होती है, क्लियरली बताएं आपको। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6, ठीक, ये आपको आइडिया लग गया। अब लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो f'x है इसका मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो f" x निकालो, उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पहले तो पावर सॉल्व होगी, क्या आ जाएगा, 4 sin x, और sin x का क्या होता है, cos x, फिर -sin x है तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और 1 का 0, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -k 4, माइनस कॉमन में ले लो, 4 sin x cos x + cos x, ठीक, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास f" आ गया, और हमारे पास पॉइंट कितने हैं, x की वैल्यू एक 3π/2 है और एक π/6 है। अब थोड़ा ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस में 3π/2 कहीं पर भी दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और दूसरा हमारा कौन सा है, π/6, दिख रहा है क्या कहीं पर,
जी बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑप्शन हमारा ट्रू चला जाएगा, लेकिन कैसे होगा लोकल मैक्सिमम वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पता लग गया यहाँ से कि ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। अब लोकल मैक्सिमम क्यों होगा, देखो एक्स के जगह पे आप क्या रखो, पाई बाई सिक्स रखो, तो अंदर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी और बाहर से क्या है नेगेटिव। और जब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम। बस इससे हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन वन है एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पर ट्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। थैंक यू।